हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्लैम विद निशा। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक पावर पैक हेयर मास्क शेयर करूंगी जो कि आपके बालों को अच्छे से नरिश करेगा। अगर आपके बाल मान लीजिए डल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, या आप बहुत फ्रीजी हो गए हैं, बाल ड्राई हो गए हैं, स्पेशली विंटर्स में क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो जो मैं आपको आज हेयर मास्क बताऊंगी वो आपके बालों को अच्छे से नरिश करेगा और आपके बालों में एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करेगा। जो मैं आपको हेयर मास्क बताऊंगी वो आपको एटलीस्ट वीक में एक बार अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके बालों में देखने को मिलेगा। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, उसमें नेचुरल एक शाइन आपके बालों में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी मैं ऑलरेडी आपके सामने ऑलरेडी उस हेयर मास्क को अप्लाई करके खड़ी हूं, तो आप देख सकते हैं अभी बाल देख सकते हैं कैसे हो रखे हैं, बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस हेयर मास्क को कैसे बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए। तो हेयर मास्क बनाने के लिए फर्स्ट हमें चाहिए एक राइप बनाना। बनाना आप ध्यान रखिएगा, जितना राइप होगा उतना अच्छा होगा। बनाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, बायोटिन है, मैग्नीशियम है, जो कि आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा और आपके बालों में जो भी डैमेज है आपके बालों को डैमेज फ्री बनाएगा। तो मैंने ये इतना बनाना, वन बनाना लिया है। ओके, अब मैंने लिया है एक एलोवेरा का लीफ, छोटा सा पीस लिया है मैंने एलोवेरा लीफ का, क्योंकि ये काफी मोटा था। एलोवेरा भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है, जो कि आपके बालों के जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करेगा। इस तरीके से आपको इसमें से जेल एक्सट्रैक्ट करना है, आपको एलोवेरा जेल इस तरीके से आपको लेना है। एलोवेरा आपके बालों में जितने भी डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करेगा आपके स्काल्प में से और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे वन बाउल दही योगर्ट। इसमें मॉइस्चराइजर प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके बालों में जितनी भी ड्राइनेस है, डैमेज है, उसको रिमूव करेगा आपके बालों में से। इसमें अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड है जो कि आपके बालों में जो डलनेस है उसको ट्रीट करेगा और बालों को डैमेज फ्री करेगा। अब मैंने इसमें लिया है एक स्पून हनी। हनी आपके बालों में एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करेगा और आपके जो डल हेयर हैं उसको ट्रीट करेगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिया है एक एग। जो लोग एग यूज नहीं करते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज करेंगे, आपके एग आपके बालों के लिए एक अच्छा सुपर फूड है जो कि आपके बालों को एक प्रोटीन, विटामिन और फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, जो कि आपके बालों के लिए नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एग डालने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप जो इसका येलो पार्ट है उसको यूज कीजिएगा, व्हाइट को अवॉइड कीजिएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली टाइप के हैं तो आपको व्हाइट यूज करना है, येलो यूज नहीं करना। और नॉर्मल हेयर है तो आप दोनों ही पूरा एग आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें पूरा एग यूज करूंगी। ओके, अब हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 स्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके बालों में अगर स्कैल्प इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं इसमें 2 स्पून कैस्टर ऑयल ऐड मैंने किया है। इसमें रेसिनोलिक एसिड है जो कि आपके बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा और आपके स्कैल्प को और आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा और आपके बालों में न्यू हेयर को रीग्रोथ करेगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए, ये भी आपके बालों के हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है। तो ये आपका हेयर मास्क बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो अब हम इसको जार में ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, तो अब हम आपका कंप्लीट हेयर पैक बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बालों में। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस पैक को अपने बालों में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपके बाल हैं उसको अच्छे से उसमें से टैंगल सारे रिमूव करने हैं।
सेकेंड थिंग, मैंने अभी बालों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी अप्लाई किया हुआ है, एक घंटा थोड़ा कोकोनट ऑयल अप्लाई करके रखा है बालों में। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें भी ऐड किया है। आज मेरा ऑयलिंग का दिन था तो मैंने इसलिए ऑयल अप्लाई करा है बालों में। थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है, आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। क्लीन इन द सेंस आपने एक या दो दिन पहले अपने हेयर को वॉश किया हुआ होना चाहिए। तो मैंने दो दिन पहले अपने हेयर को वॉश किया था, तो अब मैं इस मास्क को अप्लाई करूंगी। टू सेक्शन में अपने बालों को मैंने डिवाइड कर लिया है। तो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से आपको अच्छे से अप्लाई करना है। एक एक हेयर की स्ट्रैंड्स में आपके स्कैल्प से लेकर हेयर तक आपको अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि जितना भी इस मास्क का जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके पूरे बालों में मिले। तो चलिए अप्लाई करते हैं बालों में। तो अभी मैंने ये टू सेक्शन में अपने बालों को डिवाइड कर लिया है। ओके, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा स्ट्रैंड्स करके ऐसे लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे लेके, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ये मैसी होगा, तो अगर आप कोई पुरानी टी शर्ट डाल के इसको अप्लाई कीजिएगा, और बेटर है कि आप इसको अपने बाथरूम में ही अप्लाई करें, क्योंकि ये थोड़ा मैसी होगा। तो इस तरीके से आपको पूरे बालों पे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन पे बिल्कुल ध्यान देना है आपको। Okay, अब मैंने इस साइड को अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इस साइड भी इसी तरीके से अप्लाई करूंगी, थोड़े थोड़े से स्ट्रैंड्स लेके। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने इसको पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है, स्कैल्प पे भी और पूरे हेयर्स पे भी अप्लाई कर लिया है, हर एक जगह पे। अब आपको इसको अच्छे से 20-30 मिनट्स आपको अपने बालों में रखना है। 30 मिनट्स तक सफिशियंट है। तो मैं इसको एक क्लचर से इस तरीके से टाई कर लूंगी सारे हेयर्स को। 30 मिनट्स बाद मैं अब हेयर्स को अच्छे से वॉश करूंगी शैम्पू से। आप चाहें तो कंडीशनर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप शैम्पू के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट आपको इस हेयर मास्क का मिलेगा। आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन आपको इसको एक शावर कैप से कवर करना है। तो अभी मैंने एक शावर कैप ले लिया है। शावर कैप से आपको बालों को लॉक कवर करना है, ताकि जो आपका ये मास्क का जो मॉइस्चर है ये आपके बालों में अच्छे से लॉक हो जाए, और आपका जो ये मास्क है उसके बेनिफिट्स आपके बालों में अंदर तक जाए। तो 30 मिनट्स बाद मैं हेयर वॉश करके मिलती हूँ आपसे। हेयर अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट है इस मास्क का। ओके फ्रेंड्स, तो देख लिया आपने कि हेयर मास्क कैसे लगाना है। हेयर मास्क लगाने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से क्लीन जरूर करना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो ऑयल अप्लाई कर सकते हैं मास्क लगाने से पहले, वो टोटल आपका चॉइस है। जिनके बाल ऑलरेडी सिल्की हैं वो मंथ में एक या दो बार जरूर इसको लगाएं, और जिनके बहुत ज्यादा डैमेज बाल हैं, डल हैं, ड्राई हैं, वो वीक में एक बार जरूर इसको लगाएं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हेयर मास्क लगाने के बाद जरूर इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला इसको लगाने के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के लिए। साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको हिट करेंगे तो मेरे वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।